वेलकम बैक टू गाइस, मैं हूं सुनील विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इसके ब्लॉग फार्मिंग लाइफ। तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि मैं अभी जस्ट वही खेत में खड़ा हूं जिसमें कल आपने जिसका ब्लॉग देखा था। अगर नहीं देखा हो तो चैनल पर जाकर देखिए गाइस, अभी कल के दिन में तो बनाया है गाइस। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, अगर बीच में से पिक्चर को देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। यही सीन होता है गाइस, मैं अभी खेत में खड़ा हूँ प्याज के, और कल हमने आधा तो नहीं उखाड़ा था, मतलब आधा उखाड़ देते लेकिन जो प्याज है हमारे, ये गाइस हमारा जो खेत है इसमें से आधे उखड़ जाते हैं लेकिन दो ढाई सरी रह गई है। तो कोई बात नहीं, आज आते हैं लेबर्स, उसके बाद हम वापस रिकंटिन्यू करेंगे। तो हमारा काम काज चलेगा गाइस अभी, और मैंने कहा पहले फर्स्ट में टूर दे देता हूँ मैं हमारे प्याज के खेत का कि कैसा क्या हमने किया। तो गाइस बैक भी बताता हूँ आपको, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा देना ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुँचे। तो गाइस पढ़ाते हैं ब्लॉग को आगे। हम ये जो प्याज के ये टीले बनाए हमने, ये क्यों बनाए हैं, आखिर किस लिए ये टीले बनाए जाते हैं? तो गाइस सीन ऐसा है कि इनको रखते इसलिए है क्योंकि ये गाइस मतलब एक तो कच्चा रहता है प्याज, जब उखाड़ते हैं तो कच्चा होता है। कुछ आपको बताता हूँ एक मिनट, ये गाइस अभी प्याज हमने उखाड़ा है, आप देख सकते हैं कुछ ऐसी कंडीशन में है प्याज। तो ये प्याज गाइस उखड़ा तो है, मतलब कच्चा है। ये जो कच्चे का मतलब ये है कि अभी गाइस ये जो हरेपन पे है, इसकी जो पत्ते हैं ये हरे हैं, तो इसका जब यहाँ पर से ये कटेगा यहाँ पर से, तो इसमें से पानी निकलेगा। तो गाइस ये पानी जब हम इसको स्टोरेज करेंगे तो उसमें दिक्कत देगा। तो गाइस इसलिए हमने ये टीले बनाए अंदर, मतलब प्याज को मिट्टी के अंदर दाबा है ताकि ये सूख जाएगा अच्छे तरीके से, और गाइस इसका कलर भी बेस्ट हो जाएगा, मतलब एकदम लाल कलर पे आ जाएगा प्याज। तो गाइस ऐसा कुछ सीन था, चलिए चलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये कुछ प्याज की ऐसी स्थिति। हाँ तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम बूंदी के नीचे छाव में बैठ गए हैं। आपको सुबह बताया था यहाँ पर बहुत सारे ये प्याज पड़े हुए थे, और अभी हमने उसका पूरा इकट्ठा कर दिया है पूरे प्याज को यहाँ से, और अब आगे जो उखाड़ने रहे हैं वो उखाड़ दें, उसके बाद हम उसको करते हैं इकट्ठा। तो चलिए बढ़ाते हैं ब्लॉग को आगे, थोड़ा आराम कर रहे हैं अभी। तो गाइस फ़िलहाल तो सीन ऐसा है कि हमने ये थोड़ा बहुत ये इधर का उखाड़ा, और फिर क्या है कि मतलब जो पाइप देखा होगा आपने वहाँ से उस पार का हमने पानी वगैरह फेर दिया था, तो वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेबर, मतलब उखाड़ने की। तो वो बोल रहे हैं कि यार गीला आ रहा है, मतलब अभी अभी पानी फिरा है उसमें, समथिंग 3 दिन हुए होंगे, तो वो बोल रहे गीला आ रहा है यार कैसे उखाड़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, उखाड़ते हैं या आज ही स्टॉप लगा के कल से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं।
हाँ तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि बहुत लेट हो गया है और चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड। तो गाइस क्या है कि हमारे लेबर्स वगैरह तो सब चले गए हैं, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि गीला आ रहा है, मिट्टी गीली बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि हमने पानी जस्ट अभी ही फेरा था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 दिन हुए हैं। तो उस वो पानी में क्या है कि जब उखाड़ते हैं तो कीचड़ भी, मतलब जो मिट्टी आती है साथ में गीली मिट्टी, तो इसलिए उन्होंने बोला है जो उखाड़ने वाले हैं उन्होंने कि यार अभी 2-3 दिन बाद में उखाड़ लेते हैं, तब तक हम किसी और का, जहाँ पर भी उन्होंने उखाड़ने का ठेका लिया है उनका उखाड़ के आते हैं। तो ठीक है गाइस, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, आप उनका काम कर दीजिए, तब तक हमारा बराबर आ जाएगा, थोड़ा सा गीली मिट्टी सूख जाएगी तो अच्छे से उखड़ेगा। तो ठीक है अभी 2-3 दिन हम दूसरा काम काज करेंगे। तो चलिए गाइस बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।